बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बेटी फ़ातिमा को लेने उसके ससुराल गए तो औरतें इस वाक़े को ज़रूर सुने। नाज़रीन, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी और हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की वालदा हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तकरीबन 20 या 22 साल की उम्र में ही शहादत हो गई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक्सर अरब के लोग कहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा दौलत को पाने के लिए किया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हालात शादी के बाद भी कुछ ठीक नहीं थे, तब ये अल्ज़ाम झूठा साबित हुआ। अक्सर हज़रत फ़ातिमा के घर की ये हालत होती कि इनके बच्चे फाके की हालत में होते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोज़ाना नमाज फजर के बाद मजदूरी को निकल जाया करते। मजदूरी मिलती तो घर में चूल्हा जलता वरना फाका होता था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अक्सर अपनी रोज़ाना की पूरी कमाई किसी ज़रूरतमंद की मदद में खर्च कर देते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी होने के बावजूद भी हज़रत फ़ातिमा के पास कुछ भी दौलत नहीं थी। हज़रत फ़ातिमा का नूर और सादगी शायद ही दुनिया में किसी और औरत के पास हो। वो घर में चक्की पीसने से लेकर झाड़ू, बर्तन और बच्चों की परवरिश सब काम खुद अपने ही हाथों से किया करती थी। हज़रत अली के घर में बिस्तर के नाम पर ऊँट की एक सूखी खाल थी, जिस पर उनका ऊँट दिन में चारा खाता और रात में वही खाल सोने के काम आती थी। इस तरह की ज़िंदगी होने के बावजूद भी हज़रत फ़ातिमा ने अपने शौहर से कभी कोई शिकायत नहीं की और ना ही कभी कोई फरमाइश की। तारीख गवाह है कि हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा का जोड़ा मिसाली रहा है। हज़रत फ़ातिमा ने कभी भी अपने शोहर की खिदमत गुजारी में कोई कसर बाकी ना रखी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी लाडली बेटी को हमेशा यही नसीहत फरमाया करते थे कि बेटी, औरत का सबसे बड़ा अखलाक फरीज़ा शोहर की खिदमत गुजारी और फरमा बरदारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद हज़रत अली से भी यही कहा कि आप मुझे बहुत अज़ीज़ हो, फ़ातिमा भी मुझे बेहद अज़ीज़ है, हमेशा मेरी बेटी फ़ातिमा के साथ अच्छा बर्ताव करना। नाज़रीन, एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमा को लेने उसके ससुराल तशरीफ़ ले गए। उस वक्त हज़रत अली घर पर मौजूद नहीं थे। ये देखकर हज़रत फ़ातिमा ने अल्लाह के नबी से, यानी कि अपने बाबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ कहा उसको सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास है और ख़ास करके ये ऐसी औरतें इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें जो बार बार अपने ससुराल से मेके आ जाया करती हैं। इंशाल्लाह ऐसी औरतों की ज़िंदगी बदल जाएगी। नाज़रीन, आज जो वाक़या हम आपको बताने वाले हैं ये वाक़या हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी के 3 दिन बाद का है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी के 3 दिन बाद अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अपनी लाडली और प्यारी बेटी को लेने के लिए फ़ातिमा के ससुराल गए, यानी हज़रत अली के घर तशरीफ़ ले गए और आपने अपनी प्यारी बेटी फ़ातिमा को आजमाने के लिए इरशाद फरमाया कि बेटी फ़ातिमा, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, घर चलें। तो ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा अपने वालिद मोहतरम से अर्ज़ करने लगी कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, आप मेरे वालिद भी हैं और अल्लाह के नबी भी हैं, मेरी कोई जुरत नहीं कि मैं आपको इनकार करूँ, लेकिन अब्बा हजूर, मैंने आप ही से सुना है कि शोहर की इजाज़त के बग़ैर कभी भी घर से मत निकलना। अभी मेरे शोहर घर पर नहीं हैं, अगर इजाज़त दें तो मैं अपने शोहर हज़रत अली का इंतज़ार कर लूँ। बेटी के मुंह से ये बात सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों में आंसू आ गए।
आपने अपनी आहट को समेटा और फिर अल्लाह के रसूल वहीं पर कच्ची ज़मीन पर दीवार से टेक लगाए हुए बैठ गए और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतज़ार करने लगे। उस दिन ये भी बड़ी अजीब बात थी कि इस दिन हज़रत अली भी घर बड़ी देर से आए। जब हज़रत अली घर आए तो आपने देखा कि घर में अल्लाह के प्यारे नबी कच्ची ज़मीन पर दीवार से टेक लगाए हुए बैठे हैं। ये देखकर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े हैरान हुए। इतने में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने अपने दामाद हज़रत अली से पूछा, ए अली, अगर इजाज़त दो तो मैं अपनी बेटी फ़ातिमा को घर ले जाऊँ। ये सुनकर हज़रत अली फूट फूट कर रोने लगे और अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, मेरा रंग रूप कुछ भी नहीं, मेरी आज जितनी भी इज्जत है वो सब आपके कदमों की बरकत से है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मैं आपको कैसे इजाज़त दूँ, ये कैसे हो सकता है? ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, ए अली, मैंने फ़ातिमा को सिखाया है कि बेटी कभी भी शौहर की इजाज़त के बगैर घर से ना निकलना, हमेशा अपने शौहर की इताअत करना। इसलिए फ़ातिमा कहती है कि अब्बा जान, जब तक मैं अपने शौहर हज़रत अली से घर जाने की इजाज़त ना ले लूं, तब तक मैं घर नहीं जाऊंगी। ये सुनकर हज़रत अली अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, आप दुआ करना अल्लाह पाक फ़ातिमा के इन अमाल की बरकत से मुझे कल क़यामत के दिन भी कामयाबी अता फरमा दे। नाज़रीन, इसी तरह से अब आपको मदीना शहर का एक और वाक़या बताते हैं जिसको सुनकर भी आप हैरान हो जाओगे। हज़रत मोहम्मद गज़ाली ने अपनी किताब मुकाशफातुल कलूब में लिखा है कि मदीना शहर में एक मर्तबा एक औरत को उसका शौहर पाबंद करके गया कि सुनो, मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे पीछे से घर से ना निकलना, यानी कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ तब तक घर में ही रहना, घर से बाहर ना निकलना। इस औरत के घर के सामने ही उसके बाप का घर था, यानी कि उसका मेका था जिसमें उसका बूढ़ा बाप रहता था। एक दिन इसके बाप के घर से पैगाम आया कि तुम्हारा बाप बीमार है, आकर अपने बाप से मिल लो। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बेटी को अपने बाप से कितनी मोहब्बत होती है, इसका कोई पैमाना नहीं कि कोई इसको नाप सके, कोई ऐसा तराजू नहीं इसको कोई तोल सके। लेकिन यहाँ पर जैसे ही बेटी के पास पैगाम आया कि तुम्हारा बाप बीमार है, तो बेटी कहने लगी कि मैं नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मेरे शौहर मुझको पाबंद करके गए हैं और मेरे शौहर ने मुझे पाबंद इसलिए किया है कि अल्लाह के रसूल ने मुझे पाबंद किया है। आपने फरमाया कि शौहर की इजाज़त के बग़ैर घर से बाहर न निकलना, और मुझे इस वक्त इस बात की कोई ख़बर नहीं है कि मेरे शौहर किस मैदान में जहाद कर रहे हैं। जाओ, पहले अल्लाह के रसूल से पूछो कि मेरा बाप बीमार है, मैं अपने शौहर की इजाज़त के बग़ैर जाऊँ या ना जाऊँ। फिर अल्लाह के नबी से जब इस बारे में सवाल किया गया तो आपने फरमाया कि जाकर इस औरत से कह दो कि अगर शौहर के इताअत करोगी तो अल्लाह ताला तुम्हें बेहतर जज़ा अता फरमाएगा। खैर, दो दिनों के बाद में फिर से खबर आई कि तुम्हारा बाप बहुत ज़्यादा बीमार हो गया है, आकर अपने बाप से मिल लो। औरत ने फिर अल्लाह के नबी से पता किया तो आपने फिर फरमाया कि जाकर इस औरत से कह दो कि अगर अपने शौहर की इताअत करोगी तो अल्लाह ताला तुम्हें बेहतर जज़ा अता फरमाएगा। इसके बाद चार दिन गुजरे कि खबर आई कि तुम्हारा बाप का इंतकाल हो गया है, आकर अपने बाप की आखिरी सूरत का दीदार कर लो। अब यहाँ पर आप सोचिए कि चाहे कोई बेटी अपने बाप से कितनी भी दूर क्यों ना हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद क्यों ना हो, लेकिन इस तरह से अगर इसका बाप का इंतकाल हो जाए तो वो कहने लगती है कि चाहे मेरे जेवर बेच दो, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर मुझे मेरे बाप के पास ले जाओ, मगर मुझे उसका आखिरी दीदार करना है। लेकिन यहाँ पर आप देखें, सामने ही बाप का इंतकाल हो गया है, मगर ये औरत अपने शौहर की इजाज़त के बग़ैर अपने बाप की आखिरी सूरत देखने के लिए भी नहीं जा रही है। इसने अल्लाह के प्यारे नबी के पास फिर से पैगाम भेजा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, मेरे सर से बाप का साया उठ गया है, मेरे शौहर मुझे घर से निकलने के लिए मना करके गए हैं, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी
हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वही जुमले थे जो इससे पहले आपने फरमाए थे। आपने फरमाया कि इस औरत से कह दो, अगर अपने शोहर की अतात करोगी तो अल्लाह तुम्हें बेहतर जज़ा अता फरमाएगा। नाज़रीन, ये है अल्लाह के रसूलों को मानने वाली औरत। दूरी में बाप इंतकाल कर गया, मगर शोहर की इजाज़त के बगैर अपने बाप की आखिरी सूरत देखने के लिए भी नहीं गई। इसके बाद इस औरत के बाप को दफन कर दिया गया। फिर दो दिनों के बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि पता करो उस औरत को अपने बाप की आखिरी सूरत देखने के लिए गई या नहीं। तो सहाबा कराम पता करके आए और अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बान जाएं आपके निज़ाम पर, आपके फरमान पर। आपके जुमलों की तासीर ऐसी है कि वो औरत आपके दीन की पहरेदार बन गई है। वो अपने बाप की आखिरी सूरत देखने के लिए नहीं गई है। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ उठाए। सहाबा किराम अर्ज़ करते हैं कि इस औरत का मुकद्दर जागा, हमने देखा कि चंद आंसू हजूर के गिरे। फिर आपने अपने चेहरे को साफ करते हुए फरमाया कि जाओ और जाकर इस औरत को ये खुशखबरी सुना दो कि तुमने अपने शोहर की अतात की है, तेरी इस फरमा बरदारी की वजह से अल्लाह ताला ने तुझे भी बख्श दिया है और तेरे बाप की भी बख्शिश फरमा दी है। मगर नाज़रीन, आजकल तो अक्सर देखने में आता है कि अगर कोई शोहर अपनी बीवी को किसी काम के लिए मना करता है तो वो औरत अपने शोहर को दिखाने के लिए वो काम और ज़्यादा करती है और ये दिखाने की कोशिश करती है कि देखो मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। नाज़रीन, इसमें डरने और डराने की कोई बात नहीं है। हमारे प्यारे नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि शोहर की इजाज़त के बगैर अपने घर से कभी भी मत निकलना, चाहे जो भी हो जाए। इसलिए आप प्यारे नबी के इस फरमान पर अमल ज़रूर करें, इंशाल्लाह आप दोनों जहां में कामयाब हो जाओगे। नाज़रीन, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन।